जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कुरियर लाइए मुझे दीजिए। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बताओ कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे कल्याणी ने आओ साहब को दे दिए। कल्याणी, आओ साहब को कहाँ से पैसे ला कर दिए तुमने? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों छुपा रही हो? कहाँ से आए पैसे? मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए। 3 बार मेरे वार से बच चुकी हो तुम कल्याणी। आज नहीं, आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि तुम बचोगे नहीं। पवार, मेरे बच्चे को उठा के ले गया है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम कर, घर के पास जितने भी तीनों नाके हैं ना, सब पे नाकाबंदी लगा दे। हाँ पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। मनार मार देगा मुझे अनु। तुम्हें कसम है, जान बचा लो मेरे अनु। मनार से बचा लो मुझे अनु। मुझे केशव की गिरफ्तारी के वो कागज मल्हार की फाइल से अब भी निकालने होंगे। वरना अगर केशव मल्हार के हाथ आ गया तो वो जरूर उसकी जान ले लेगा। माई इस सोमवार 18 मार्च को देखिए कल्याणी। क्या वो अपने परिवार की मौत का रहस्य खोल पाएगी या फिर है ये उसी की कोई चाल? देखिए कल के एपिसोड में। ये तो वही जहर वाली स्मेल थी। इसका मतलब हवन कुंड की लकड़ियों में जहर है। जो कोई भी इन लकड़ियों का धुआं इनहेल करेगा उसकी जान खतरे में। क्या वक्त रहते कल्याणी बचा पाएगी अपने परिवार को या यही बनेगा सबकी मौत का कारण? कल देखिए। यही गुफा में छोड़ा थी उसे, लोगों से दूर। अपने घर वालों को तो बचा लिया तुमने कल्याणी, लेकिन अब यहाँ से कैसे निकलोगे? घुट घुट के दम तोड़ दोगे तुम, यहाँ घुट घुट के मरोगे। केशव आ गई तू मनु। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला करो इन दोनों का। जो औरत एक पराए मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। सरपंची, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन ये अनर्थ होने से बचाइए। आओ साहब, अब ये बात मेरे हाथों से निकल चुकी है। गांव वाले गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। आपकी बहू ने काम ही जो ऐसा किया है कि सारे गांव का सिर शर्म से झुक गया। अब ये गांव वाले अगर इन दोनों को जान से भी मार दें तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज इन दोनों को ऐसी सजा मिलेगी कि गांव वाले सालों तक याद रखेंगे इन्हें। ले चलो इन्हें।
अनुप्रिया, अरे रुक जा। एक बार भी नहीं सोचा तुम दोनों ने? गांव में अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा गांव वालों का? बहुत जवानी चल रही थी तुम दोनों पे। अरे छोड़ो, रुक जा। अरे विवेक, विवेक देखो ना, वो हमारी अनुप्रिया को मार डालेंगे, बचाओ उसे। नहीं नहीं सर, इसमें नल के पापा क्या कर सकते हैं? तो वो उधर जाएंगे तो उन्हीं का सर फोड़ देंगे ये लोग। देखा नहीं कितने गुस्से में ये लोग। नहीं, आप मत जाना। हाँ सर, गलती तो माई की भी है। ये घिनौनी हरकत करने से पहले माई ने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा। अरे पापा, परिवार वालों की तो छोड़ो, माई की इस घिनौनी हरकत के कारण जो गाँव वालों पर बिपताएगी वो अलग से। परमेश्वरा, विवेक तुम ना इस पल्लवी के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी गोबर जैसा हो गया है। अरे अरे बचा लो कोई अनुप्रिया को। देखो तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये सब गैर कानूनी है। याद रखना, कानून तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आओ साहेब, गांव का कानून अब गांव वाले बनाएंगे और इन लोगों को सजा मिलकर रहेगी। क्यों मंडली? जब तक पापियों को सजा नहीं मिल जाती, भगवान इनको कभी नहीं माफ करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। जब तक पापियों का खून नहीं बहेगा, तब तक भगवान खुश नहीं होगा। और हमारी खेती बाड़ी बर्बाद हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे, है कि नहीं? अरे इन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए। और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मंगलसूत्र इसी छत्ते में, लेकिन मैं उसे निकालूंगी कैसे? कितने महीने का हो गया? जब हार बर्दाश्त नहीं होती ना, तो चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। जिसे दूसरों की तकलीफ देखना अच्छा लगता है, उसका मजाक एक दिन उसी की सजा बन जाती है। नेक्स्ट टाइम जब रैगिंग करोगी ना, तो मेरी ये बात याद जरूर रखना। पता चला किसने ये खबर मीडिया को दी है? हाँ, मैं पता चला। मीडिया को तुमने शामिल किया सर? क्या? तमाशा खड़ा करने के लिए। हमने उस आदमी से वादा किया कि उसके घर की इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी होगी, और तुमने क्या किया? मीडिया को शामिल करके हमारे वादे की धज्जियां उड़ा दी तुमने। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल, देखिए। वैसे ये रंग तो आप जिंदल साहब से लगवाना चाहती थी ना? रिश्तेदार हो इसीलिए खड़े हो अभी तक। आप किस हक से मुझ पे चढ़ रहे हो? मान लो कि आप इस शादी को दिल से नहीं मानते, इसी वजह से आपकी बीवी के गले में आज मंगलसूत्र भी नहीं है।
मंगल सूत्र नहीं था ना गुड्डन के गले में, अब ये भी पहना दिया। हम आपके हाथ से हमारे गले में मंगल सूत्र नहीं पहने। क्या सच में साहिल ने किया है ये गुड्डू के साथ या है ये किसी पुराने दुश्मन की चाल? क्या वेदिका बचा पाएगी अपने साहिल को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अपनी कस्मों को तोड़कर अस्मिता लौट चुकी है फिर से उन बदनाम गलियों में। कैसे करेगी वो सामना समाज का? क्या होगा जब वो टकराएगी शान से? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां।